हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार, आज आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मल्टीमीटर में हम एसी वोल्टेज कैसे चेक कर सकते हैं और डीसी वोल्टेज चेक कैसे कर सकते हैं, और साथ ही एक इसमें फीचर होता है, एक इस मल्टीमीटर में एक ऐसा फीचर है, वो है कि हम एम्पेयर भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारा लोड है वो कितना ले रहा है, कोई चीज़ हमें वो कितना एम्पेयर ले रही है। तो वो भी मैं आपको आज बताऊंगा कि हम इसका वो तीनों कैसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, ये है एक मल्टीमीटर जो मैंने ऑन कर लिया है, और हम अब इसको एसी वोल्टेज पे रख लेते हैं। तो एसी वोल्टेज पे हमारी ये आ गई 700 पे, हमने इसको सेट कर लिया है, और अब हम देखेंगे कि हमारी जो पावर सप्लाई है वो पीछे से कितनी आ रही है और ये क्या शो करता है, वो हम सारा ऐसे देखेंगे। हमें करना क्या है, जब एसी वोल्टेज चेक करनी है तो एसी वाले पॉइंट पे इसको रखना है। ये एसी वाला इसका जो है, ये इसका वो है सिंबल है एसी का, एसी वोल्टेज का सिंबल है, और हमें 700 पे रख के इसको चेक कर लेना है, हमें पता चलेगा कि कितनी है। अब हम ये दोनों तारे हैं जो ब्लैक और रेड वायर है, ये हम पावर सप्लाई में देंगे, तो देखते हैं क्या आता है रीडिंग हमारी। ये देखिए मीटर पे आप देख रहे होंगे इस समय 216 वोल्टेज आ चुकी है, मतलब कि हमारा इस समय जो एसी करंट आ रहा है, एसी वोल्टेज आ रही है हमारे इधर पावर पॉइंट में, ये 216 वोल्टेज है। तो इस प्रकार हम एसी वोल्टेज चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि हम इससे डीसी वोल्टेज भी चेक कर सकते हैं। तो मैं डीसी वोल्टेज के लिए मैंने यहाँ पे ये अडेप्टर लगा रखा है, ये अडेप्टर है फोन चार्जर का, तो इसको मैंने इधर लगा रखा है। तो मैंने इसकी आगे से यूएसबी कार्ड ली है, यहाँ से इसको अलग कर लिया है यूएसबी कार्ड के। तो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि ये हमारी जो मोबाइल को वोल्टेज जाती है वो कितनी होती है, वो कितने से चार्ज होता है, और ये आउटपुट कितनी दे रहा है, और ये जो वोल्टेज निकालता है ये डीसी वोल्टेज देता है अडेप्टर, क्योंकि जो हमारा फोन है वो डीसी वोल्टेज से चलता है। तो इसलिए ये इसमें एक रेड वायर और ब्लैक, रेड है जो ये पॉजिटिव है और ब्लैक वाली नेगेटिव है, ये दो तारें इसमें से निकली हुई हैं अडेप्टर में से। मैं अब आपको ये चेक करके बताऊंगा कि इसमें से कितनी वोल्टेज आ रही है। ये मैंने नेगेटिव वाली जो वायर है मल्टीमीटर की, इसको नेगेटिव के साथ जोड़ देना है, और जो पॉजिटिव वाली है रेड वाली, उसको इस पॉजिटिव के साथ रेड के साथ जोड़ देना है। तो अब हम देखेंगे हमारी कितनी वोल्टेज आ रही है। तो इसको मैं पक्का कर लेता हूँ, क्योंकि फिर हिल जाती है तो पता नहीं चलता। अब मैं इसको डीसी वोल्टेज पे सेट करूँगा। ये हमारी डीसी वोल्टेज आ गई 20। तो ये देखिए यहाँ पे 5.19, मतलब कि हमारी ये 5 वोल्टेज निकाल रहा है और ये डीसी 5 वोल्ट है। तो ये डीसी जो डीसी वोल्टेज का निशान होता है वो ये देख लिए ध्यान से, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, और वोल्टेज लिखा हुआ है यहाँ पे, और स्ट्रेट लाइन होती है, यानी कि ये डायरेक्ट वोल्ट होती है, और ये जो एसी वोल्टेज होती है ये अल्टरनेट करंट होती है, इसलिए ये इसका सिंबल है जो ऐसे वेव में दिया हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि ये एसी वोल्टेज वाला है और ये डीसी वोल्टेज वाला है, जो स्ट्रेट लाइन है। तो अब हमारी मैंने देख ली, दिखा दिया कि आपको ये डीसी वोल्टेज ये देख लिया हम इसमें चेक कर रहे हैं, तो इसमें आ रही थी डीसी वोल्टेज, वो है हमारी 5 वोल्टेज से थोड़ी सी ऊपर है, मतलब कि 5 वोल्टेज है। तो ये होगी हमारी डीसी वोल्टेज भी चेक हो गई और एसी वोल्टेज भी। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये एम्पेयर इसमें कैसे चेक करते हैं। तो एम्पेयर हमें किसी चीज का चेक करने हो कि वो कितना करंट ले रहा है, तो उसके लिए मैंने ये यहाँ पे एक होल्डर बनाया है, मैं वो आपको लगा के दिखाऊंगा। तो ये है होल्डर, इस पर हमने 100 वाट का एक कैंडल लगा दिया है बल्ब, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये 100 वाट का एक लैंप है जो मैंने इसको लगा के रखा है, इस ये हीट होता है इसलिए मैंने इसको कवर में डाल दिया है ताकि हम पे लाइट का थोड़ा कम पड़े। और ये मैंने इसको लगा दिया है एक प्लग जहाँ से हम सप्लाई देंगे। तो अब आ गई बात कि हमको मल्टीमीटर की कौन सी वायर इसको जोड़नी है जिससे हमें एम्पेयर पता चल सके। तो ये देखिए एम्पेयर मीटर पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप 2 एम्पेयर चेक कर सकते हैं और यहाँ पर 10 एम्पेयर तक की कोई चीज चेक कर सकते हैं।
तो इसलिए मुझे बल्ब का कोई पता नहीं, अभी मान लो हमें नहीं पता इसमें कितनी वोल्टेज है, इसलिए मैं इसको 10 वोल्टेज पे लगा के देखते हैं इसमें कितने एम्पेयर्स आते हैं और जी कितने एम्पेयर हमारा ले रहा है लोड इसका। तो मैं इसको जो ब्लैक वाली वायर है कॉमन वाली जी हमें वहीं पे लगे रहने देनी है, और ये रेड वाली वायर है इसको बाहर निकाल के इसको आप 10 वाली एम्पेयर पे इसको ऐसे लगा देना है। तो अब हम इसको देखेंगे कि इसमें कितनी वोल्टेज आती है। तो ये जो लैंप मैंने बना रखा है इसको मैं इसको सीरियस में कनेक्ट करूँगा, मीटर के साथ सीरियस में कनेक्ट करूँगा, और इसका वायर का कोई नहीं है, आप जहाँ मर्जी इसको उल्टा सीधा लगा सकते हैं, क्योंकि हम जब एसी वोल्टेज चेक करते हैं तो वहाँ पे वायर का इतना नहीं होता, लेकिन जब हम पॉजिटिव चेक करते हैं डीसी वोल्टेज चेक करते हैं तब हमें नेगेटिव पॉजिटिव का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये हमारे कनेक्शन हो चुके हैं, अब हम देखेंगे कि हमारा बल्ब भी चलना चाहिए और यहाँ पे इसकी जो करंट लोड है वो एम्पेयर कितने ले रहा है वो भी शो होने चाहिए। तो ये मैं इसको सप्लाई दे रहा हूँ, ये देखिए ये मैंने सप्लाई दे दी, तो इसके जो एम्पेयर हैं वो मैंने अभी चेंज नहीं किए थे इसलिए मैं इसको चेंज करता हूँ। ये आ गया एसी एम्पेयर। एसी एम्पेयर का कौन सा निशान होता है, जहाँ पर एसी हो गया ए से हो गया एम्पेयर, और जो डीसी वाले उसके एसी वाले मैंने आपको बताया था कि एसी में ये वाला निशान होता है वेव वाला, तो ये है एसी वोल्टेज और इसके एसी के एम्पेयर हमें चेक करने हैं। तो हमें कहाँ पे रखना है एसी एम्पेयर, हमें 10 पे रखना है क्योंकि हमने ये 10 पे लगाई हुई है 10 एम्पेयर पे, ये देखिए 10 एम्पेयर पे लगाई है, तो हमें यहाँ पे 10 एम्पेयर वाली जगह पे इसको सिलेक्ट कर लेना है मीटर को। तो अब हम इसको ऑन करते हैं तो देखते हैं कितने एम्पेयर लेता है, ये देखिए ये कुल मिला के 30.30 एम्पेयर ले रहा है, और हम इसको यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यानी कि 2 एम्पेयर के नीचे भी चेक कर सकते हैं, ये 1 एम्पेयर से भी बहुत कम लोड है तो इसलिए हम यहाँ पे भी इसको चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पे भी आपको चेक करवाता हूँ, ये मैं बंद करके इधर लगाता हूँ, ये देखिए ये मैंने इसको अब लगा दिया 2 एम्पेयर पे, तो 2 एम्पेयर पे हमारी देखने ये देखिए ये यहाँ से 1 एम्पेयर से भी कम हमारी जो यूज हो रहा है इसका लोड एम्पेयर। तो अब मैंने आपको एसी वोल्टेज डीसी वोल्टेज और एसी एम्पेयर कैसे चेक करते हैं ये मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। तो थैंक यू गाइस, मैंने एक मल्टीमीटर पे और भी वीडियो बना रखी हैं एक दो, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल पे जाके उसको भी देख सकते हैं। तो मेरी वीडियो वॉच करने पर आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और उसको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में ही बेल बटन का जो उसका निशान है उसको दबा देना। थैंक यू फ्रेंड्स।